हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी इन्फिनिक्स 08 इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो कि हमें अंडर 15,000 की प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी प्राइस के अंदर हमें रियलमी की तरफ से रियलमी 6i देखने को मिलता है। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों फ़ोनों के बीच में डिटेल कंपेरिजन करके बताऊँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा अंडर 15,000 रुपये में, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस बैटरी और कैमरा के साथ देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। अभी दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो दोनों ही फोनों में हमें पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है। और इन्फिनिक्स 08 में हमें 2 से 3 कलर देखने को मिलते हैं, जबकि रियलमी 6 के अंदर हमें 2 ही कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें एक लूनार व्हाइट और एक एक्लिप्स ब्लैक देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बैक पैनल देखें तो दोनों ही फोन काफी प्रीमियम से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बैक डिजाइन की बात करें तो इन्फिनिक्स 08 हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोनों ही फोनों के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही इन्फिनिक्स 08 के अंदर हमें 6.85 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ मिलती है, जबकि रियलमी 6i के अंदर हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है, और यह भी हमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 120Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स 08 के अंदर थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों दोनों ही फोनों में हमें सेम IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। अभी दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोनों के अंदर हमें मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर मिलता है, जो कि माली G76 GPU पर आता है। तो दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोनों में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जहां पर आप PUBG जैसे गेम बिना किसी लैग के खेल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूरी कर दें। इसके साथ ही दोस्तों इन्फिनिक्स 08 हमें XOS के साथ देखने को मिलता है, जो कि इन्फिनिक्स का खुद का OS है, और यह हमें एंड्रॉइड 10 पर मिलता है, जबकि रियलमी 6i के अंदर हमें रियलमी UI देखने को मिलता है, और यह भी एंड्रॉइड 10 पर आता है। तो दोस्तों दोनों फोनों के अंदर हमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलते हैं और कुछ एड्स देखने को मिलते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा OS ज़्यादा बेस्ट है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही दोस्तों अगर कैमरे में देखें तो कैमरे में यहाँ पर हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स 08 के अंदर हमें सोनी का सेंसर मिलता है, और इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक लो लाइट सेंसर मिलता है, जबकि रियलमी 6i के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, और यह हमें सैमसंग के सेंसर के साथ आता है, जहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2-2 के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिलते हैं। तो यहाँ पर में पिक्चर क्वालिटी इन्फिनिक्स 08 के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इन्फिनिक्स 08 के अंदर हमें 48+8 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है, जहां पर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों आप यहां पर फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, जबकि दोस्तों रियलमी 6i के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों कैमरे में भी यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स 08 काफ़ी दमदार फ़ोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप कैमरे के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप बिना किसी डाउट के यहाँ पर इन्फिनिक्स 08 को कंसिडर कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें बैटरी की, तो इन्फिनिक्स 08 के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 33W के फास्ट चार्जर के साथ आती है, जबकि रियलमी 6i के अंदर हमें 4300mAh की बैटरी मिलती है, जो कि हमें 20W के फास्ट चार्जर के साथ आती है। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स 08 के अंदर हमें एक बड़ी बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बैटरी लाइफ में भी यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स 08 काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें बाकी फीचर्स की, तो दोनों फ़ोनों के अंदर हमें टाइप सी देखने को मिलती है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, और बाकी हमें सभी सेंसर देखने को मिलते हैं, और दोनों फ़ोनों के अंदर हमें 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है। अभी दोस्तों अगर बात करें इनके प्राइस की, तो इन्फिनिक्स 08 का बेस वेरिएंट्स 8GB 128GB हमें 15,000 में देखने को मिलता है, जबकि रियलमी 6i का 4GB 64GB हमें 12,999 में और 6GB 64GB 14,999 रुपये में देखने को मिलता है। और दोस्तों अभी देखते हैं कि इन्फिनिक्स 08 इस फ़ोन को कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च करता है। तो दोस्तों अगर इन्फिनिक्स इस फ़ोन को 15,000 से नीचे लॉन्च करता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर नो डाउट इन्फिनिक्स 08 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये फ़ोन 15,000 से ऊपर लॉन्च होता है, तो फिर ये ओवर प्राइज्ड हो सकता है, और फिर आप यहाँ पर रियलमी 6i को भी ले सकते हैं, जो कि हमें 13,000 की कीमत में मिलता है। तो
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।